Respected President IEP, Dr. Ramesh Kumar Ji, Principal Dean, Government College, Srinagar, Professor Samir Sinha, Worthy Mission Director, NHM, Mr. Yasin Chaudhary Ji, Respected President AOPM, Dr. Basant Karakar Ji, Respected Secretary General IEP, Dr. Students. It's my honor and privilege to welcome you all on behalf of Department of Pediatrics, Government College, Srinagar, Indian Academy of Pediatrics, Kashmir, and Academy of Pediatric Neurology on the occasion of 21st Neuropedicon. At the outset, I would welcome President IEP Dr. Ramesh Kumar Ji. Thank you, sir, for gracing the occasion in spite of your very busy schedule. My sincere thanks to Principal in Government College, Srinagar, Professor Samia Rashid. Ma'am, you have always encouraged us and supported us for any academic activity. I welcome our worthy Mission Director NHM, Mr. Yasin Chaudhary Ji. Sir, you have joined us in spite of your extremely busy schedule, I know that. But we are really thankful that you came here today. I thank you on behalf of Department of Pediatrics and Academics. I welcome President AOPN Dr. Vasant Karatkar. Uttar Pradesh. So on the band, one end we are very much successful. Now Muzaffar sir or Khurshid, aapne to tufaan la diya. You are bringing delegates of. So I have minus 4 minutes. I will try to finish it in a 1 minute. So being a secretary, my responsibility is what is IP actually meant for? What? देखिए, यहाँ जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बच्चों में होती हैं वो बहुत कॉमन है। हम रोज़ सैकड़ों की तादाद में बच्चे देखते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और जो हमारे हॉस्टल में एडमिशन्स हैं 10-15% बच्चे जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही शिकार होते हैं। तो हम चाह रहे थे कि जो कॉन्फ्रेंस जो होती है इनमें हमारे एक ये बनता है, एक मौका मिलता है कि नॉलेज शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो वर्कशॉप्स होते हैं उनमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। कल हमने 4 वर्कशॉप्स किए डिफरेंट न्यूरोलॉजी डिजीज पे, यहाँ डॉक्टर्स काफ़ी आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए और बल्कि बाकी से भी आए हैं, और आज और कल 2 दिन और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है। तो उम्मीद है कि इससे फ़ायदा जो होगा, हमारे अपने डॉक्टर्स की नॉलेज अपडेट होगी, ये फ़ायदा हमारे पेशेंट्स में ट्रांसफर होगा और अल्टीमेटली हमारे बच्चों का बेहतर केयर होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस एंड यू नो वर्कशॉप्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, लर्न करते हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंस, और उसके बिना पे और जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं कि मेडिसिन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो लेटेस्ट अपडेट्स से हम वाकिफ होते हैं और हम अपने पेशेंट्स को वो फ़ायदा डायरेक्टली मिल जाता है। जब हम अपडेट होंगे तब जाके हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, काफ़ी कॉमन है न्यूरोलॉजिकल डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी हो, न्यूरोपैथीज हो, सीजर डिसऑर्डर्स हो, डी माइलिन डिसऑर्डर्स हो, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऑफ CNS, 50 ऐसी बीमारियाँ जो हम कॉमनली रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में देखते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा डायरेक्ट हमारे
पेशेंट्स को होगा, हमारे बच्चों को होगा। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं। बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन होता है माँ का दूध, और माँ के लिए भी बेहतरीन होता है अपना दूध है। एक तो बच्चे को फ़ायदा है ही है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी फ़ायदा है, बच्चे की न्यूट्रिशन में फ़ायदा है, बच्चे को इन्फेक्शन कम होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है उनको जो डेंजरस बीमारी होती है जैसे हम कैंसर वगैरह बोलते हैं वो कम होती है। तो माँ के लिए भी फ़ायदा है और बच्चे के लिए। जो हम टॉप फीड बाहर के दूध, इससे बच्चे रोज़ बीमार होते हैं। इसके खिलाफ हमारी पूरी प्रेगनेंट फैटर्निटी है। हमारी अभी ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव रेट करीब 60% हो चुकी है, बट हम इसको चाहते हैं 100% बनाना। ठीक, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम बन गए, एक तो आई प्रॉब्लम बढ़ने लगी और दूसरा वेट प्रॉब्लम बढ़ने लगी बच्चों में इससे, और इससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होती। जो बच्चा खेलता है, दौड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, उनसे वो महरूम रह जाता है। तो उनके लर्निंग में भी, उनके अप्रोच में भी फ़र्क पड़ जाता है, उनके इंटरेक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो टीवी टाइम है, स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, या मोबाइल टाइम, ये बच्चों में, छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको आप आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, अपना टाइम को दीजिए, फैमिली में इकट्ठे बिठाइए, हैव गेट टुगेदर्स टुगेदर इन फैमिली, अपने वैल्यूज समझाइए। जो आप करेंगे आपके बच्चे कल को वही करेंगे। अगर आप शाम को एक रूटीन बनाएंगे, डिनर सब इकट्ठे खाएंगे और एक डिसिप्लिन रखेंगे, आपके बच्चे वही फॉलो करेंगे। अगर आप कोई अपनी अपनी जगह में बैठेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वैसे ही ग्रो करेंगे।